नमस्कार दोस्तों, इंदौर से मैं राकेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया। उनके आह्वान के साथ ही हजारों लाखों लोग हाथों में झाड़ू उठाकर भारत को स्वच्छ करने के मिशन में लग गए। प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश के लिए प्रेरणा बन जाता है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि देश में और अच्छा काम कैसे करूं, इसके सुझाव मुझे दो। इसी कड़ी में मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, हमारे मन की बात कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है ऑर्गन डोनेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने स्वच्छता मिशन का जो अभियान चलाया उसमें जैसे ही लोग जुड़े, मुझे लगा अगर एक आह्वान आप ऑर्गन डोनेशन का भी भारतीय लोगों को कर दें तो भारत के अनेक ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं, लीवर की बीमारी से परेशान हैं, किडनी की बीमारी से परेशान हैं, हार्ट की बीमारी से परेशान हैं, अंधत्व से परेशान हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूं कि इंदौर ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट का एक ऐसा प्रमुख शहर बन गया है, भारत में एक आइकॉन बन गया है, जहां से अक्सर जिला प्रशासन की मदद से और लोगों की एनजीओ की मदद से ऑर्गन डोनेशन के कार्यक्रम को सतत रूप से चलाया जा रहा है। हालांकि अभी ये प्रोग्राम छोटे स्तर पर है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी, इसीलिए मैं अपने मन की बात, हमारे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, एक कार्यक्रम आप ऐसा करें, देश के लोगों को आप खुद आह्वान करें कि आओ ऑर्गन डोनेशन में फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में मृत हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाते हैं, या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार की सहमति से उनके ऑर्गन निकालकर डॉक्टरों की कुशल टीम जरूरतमंद लोगों तक या उनके ट्रांसप्लांट में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो ये काम अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आह्वान से होगा तो निश्चित रूप से भारत को एक नई दिशा मिलेगी और भारत, सशक्त भारत, बीमारियों से मुक्त भारत का निर्माण होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारे मन की बात में मैंने कही, ऑर्गन डोनेशन के एक आह्वान को आप जरूर अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से बीमारी मुक्त भारत का निर्माण होगा। मित्रों, आपको अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए, इन्हें जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पूरे देश में फैलाएं, ताकि एक जागरूकता का नया अभियान प्रारंभ हो। इसी निवेदन के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। इंदौर से राकेश अग्रवाल, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।